इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिया के हॉटेस्ट ISPCS लेडीज ऑफिसर पूजा यादव 2018 बैच के IPS अधिकारी हैं। इनकी शुरुआती आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी न होने के कारण बच्चों को ट्यूशन दिया और रिसेप्शनिस्ट का काम किया। उसके बाद इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में MTech किया। MTech करने के दौरान इन्हों को कनाडा में जॉब लगी। जॉब करने के दौरान इन्हों जर्मनी वहां से चली गई। जर्मनी में जॉब करते समय इनको एहसास हुआ कि भारत के विकास में योगदान देने के बजाय किसी दूसरे देश के विकास के लिए काम कर रही हैं और वहां से जॉब छोड़ इंडिया वापस चली आई और इंडिया में UPSC की प्रिपरेशन में लग गई और अपने प्रयासों से यहाँ पर एग्जाम क्लियर करके आज IAS अधिकारी बनी। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नवजोत सिमी हैं जो बिहार के कडार की रहने वाली हैं। ये 2017 बैच की IPS अधिकारी हैं। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 735वीं रैंक हासिल की और एक IPS अधिकारी बनी। नवजोत सिमी उससे पहले एक महिला कांस्टेबल थी। महिला कांस्टेबल के दौरान इन्हें UPSC में सेवा देने की इच्छा जागृत और अपने यथक प्रयास से दूसरे ही प्रयास में IPS अधिकारी बनी, जो इंडिया के मोस्ट ब्यूटीफुल IPS अधिकारियों में इनकी गिनती की जाती है, जैसा कि आप इनकी पिक्चर देख के भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहने वाली एचरोना श्रेयान, जो राजस्थान के चूल की रहने वाली हैं, ये मिस इंडिया की फाइनलिस्ट छोड़ प्रथम प्रयास में IFS अधिकारी बनी, ठीक है। 2014 के दिल्ली क्वीन और 2016 में मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। उसके बावजूद ये अपनी मॉडलिंग कैरियर छोड़ने के बाद UPSC की प्रिपरेशन में लगी, अथक प्रयासों से IFS अधिकारी बनी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर सृष्टि देशमुख। सृष्टि देशमुख ने अपने पहले ही प्रयास में 5वीं रैंक हासिल की। सृष्टि देशमुख ने 2018 में इंजीनियरिंग के साथ UPSC की तैयारी चालू की और अपने प्रथम प्रयास में IAS अधिकारी बनी। सृष्टि देशमुख की इंडिया के ब्यूटीफुल IAS अधिकारियों में गिनती की जाती है। और हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती हैं रिया डावी, जो 2020 में 15वीं रैंक हासिल की। ये एक IAS अधिकारी हैं। ये टीना डावी की सिस्टर, छोटी सिस्टर हैं। टीना डावी भी IAS अधिकारी ही हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।